जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे घोषणा के दावे और वादे बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राहुल ने एक बड़ा चुनावी दाव खेल डाला है। उन्होंने कहा हर गरीब को 72,000 रुपए महीना मिलेंगे। जैसे 15 लाख मोदी ने कहे थे उसी तरीके से 72 लाख कांग्रेस भी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के अब तक के सबसे बड़े चुनावी वादे को धमाकेदार ऐलान करके लोकसभा चुनाव में जंग को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। राहुल ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में 5 करोड़ परिवारों को सरकार सालाना 72,000 रुपए नगद देगी। चूंकि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य होते हैं लिहाजा 12,000 रुपए महीना से कम आमदनी वाले सभी जाति धर्म के करीबन 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। स्कीम का नाम न्यूनतम आय योजना रखते हुए राहुल ने इस गरीबी के खिलाफ अंतिम प्रहार का ऐतिहासिक कदम करार दिया है। जिस तरह मोदी सरकार ने 15 लाख रुपए हर परिवार को देने की घोषणा करी थी उसी तरीके से ये भी कहीं जुमला ना बन जाए। वहीं राजनीतिज्ञों की माने तो राहुल के चुनावी वादे से 1.5 से 2% तक बढ़ेगी महंगाई। वहीं बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इन नीतियों से काम नहीं होता है। वादे करने के बाद अपने घोषणा पत्र में देने के बाद में ये लोग मुकर जाते हैं और बाद में जुमला बताते हैं। कांग्रेस द्वारा देश में 20% गरीबियों को हर साल 72,000 रुपए देने की घोषणा की है चुनावी माहौल की गर्मी को और बढ़ा दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस तरह की घोषणा पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी के लिए भाजपा और कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। मायावती ने कहा है कि गरीब पूरी तरीके से दोनों सरकारों की गलत नीतियों की ही देन है। उन्होंने रुपए देकर गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस के दावे खारिज किया है। उन्होंने कहा कि देश में पैसे की जगह अगर किसी परिवार को रोजगार दें, उनको पढ़ने का संसाधन दें, तो कहीं ज्यादा गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। गरीबी की जटिल समस्या सिर्फ बसपा नीति और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही दूर हो सकती है। हर हाथ को काम देने की नीति से बसपा ने प्रदेश में सर्व समाज के लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो ने निशाने पर भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी है। कांग्रेस से दूरी बनाए रखने में ही मायावती को फायदा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इनके साथ रहेंगे तो ये हमें भी ले डूबेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि देश वादों से नहीं चलता है, काम से चलता है। हमारे शासन के अंदर लोगों को रोजगार मिला, घर मिला, शिक्षा मिली और गुंडा राज तक खत्म हुआ। अगर हमारी सरकार आती है तो इन सब चीजों को दोबारा से करा जाएगा। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।